गनबोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में एक सेंसेशनल किडनैपिंग केस का रिपोर्टिंग हुआ। ये क्राइम नंबर 6/2021 पुलिस स्टेशन गोयनपल्ली अंडर सेक्शन 452, 419, 341, 342 और इसके साथ 120B और दूसरे सेक्शंस भी बुक हुए। ये एक्चुअली हफीज पेट जो साइबराबाद में एक जगह है वहां का एक लैंड इशू को लेके तीन लोगों का किडनैपिंग हुआ जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीज पेट मियापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड एवी सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट का एक पेपर जिसको कि वो आई कार्ड बताए सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये तीन को जिनको किडनैप करके ले जाना था इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठाकर ले गए। लगभग एक घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे, उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। जब एक घंटे तक कुछ बाहर का खबर नहीं हुआ तो एक बाजू की आंटी आई और उन्होंने दरवाजा खोलकर इन लोगों को बाहर निकाला। तो लगभग एक घंटे के बाद पुलिस को डायल 100 कॉल आया इस क्राइम के बारे में। उसके बाद हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन, डीसीपी टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर्स सभी लोग मिलकर प्लान करके सब जगह टीम भेजे और खास करके जो फैमिली से बात करने पे पता चला कुछ इंडिकेशंस जिसमें कि ये लैंड डिस्प्यूट का इशू आया तो हम लोगों ने करनूल के तरफ जाने वाली रोड, विजयवाड़ा जाने वाली रोड इन लोग को के तरफ भी अपनी टीम लगाए। हर जगह पुलिस चेक पोस्ट, हर जगह पुलिस प्रेजेंस को देखकर ये लोग समझ गए कि किडनैप पर्सन को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए अर्ली मॉर्निंग 3:30 के बीच में नरसिंघी के पास ये लोग तीन आदमी को गाड़ी से वो लोग उतार दिए। और उसके बाद जब ये लोग सेलफोन ऑन किए तो हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन को मैसेज टावर से आया और वहां से फिर ये लोग कॉन्टैक्ट करके इनको रिलीज किए। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस केस में जो अक्यूज लोग हैं उसमें अक्यूज फर्स्ट है एवी सुब्बा रेड्डी जो कि नेटिव ऑफ अलगड़ा है, A2 श्रीमती भूमा अखिला प्रिया, A3 भार्गव राम और इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मिलकर ये क्राइम किए जिसमें एक श्रीनिवास चौधरी एलियस गुंटूर सीनू, साई चंटी प्रकाश ये लोग मिलकर ये क्राइम का अंजाम दिए। जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट यहां सिविल डिस्प्यूट को लेकर क्रिमिनल एक्ट इस तरह का ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इस तरह के का जो भी केस है हम लोग 2 घंटे के अंदर डिटेक्ट करते हैं और कल का भी केस हम लोग डिटेक्ट किए और हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ किडनैप्ड पर्सन, रिलीज्ड ऑफ किडनैप्ड पर्सन एंड ब्रेकिंग द केस, ये तीनों टारगेट हम लोग 6 घंटे के अंदर क्लियर कर दिए। तो अरेस्ट होने के बाद श्रीमती अखिला प्रिया आज 11:20 आवर्स को कुकटपल्ली में उनके घर के पास से उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में लाकर अरेस्ट मेमो इशू किया गया और बाद में एज पर द प्रोसीजर ऑफ CRPC उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है। That's all. Thank you. सर, क्या विक्टिम्स चीफ मिनिस्टर के फैमिली से रिलेटेड है या संबंधी है, क्या है सर? इस तरह के केस में लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, लॉ इज इक्वल बिफोर ऑल और हम लोग सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। अरे आप है या नहीं सर वो रिलेटिव, बस उतना ही जानना। थैंक यू।